नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, घर बैठे जब भी आप कोई भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने जाओ तो अभी आप मार्केट में देखोगे जोमेटो या स्विगी का ऑप्शन, इस दोनों को छोड़ के भी बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, पर मेनली मार्केट कैप्चर करता है स्विगी और जोमेटो। अभी अगर आप अपने घर पे बैठे अपने शहर से कोई भी रेस्टोरेंट से कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम या एप्लीकेशन यूज करके ऑनलाइन फूड मंगाने जाओ तो आपके सिटी से ही आप कोई भी रेस्टोरेंट से फूड मंगा पाओगे। या ऐसा भी हो सकता है आपके शहर में कोई भी रेस्टोरेंट आपके डिलीवरी लोकेशन से बहुत दूर है तो वहां तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर पाओगे। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे T2P या टेस्ट टू प्लेट करके एक एप्लीकेशन के बारे में, जहां पे आप अपने सिटी में कहीं भी या इंडिया के कई अन्य सिटी से भी, जैसे इंडिया के बहुत सारे फेमस सिटी के पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से आप अपने शहर में फूड ऑर्डर कर पाओगे ऑनलाइन, घर बैठे आप उसका मजा उठा पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे T2P या टेस्ट टू प्लेट एप्लीकेशन का एक फुल डिटेल्स ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे T2P या टेस्ट टू प्लेट एप्लीकेशन का एक फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, जहां पे आप अपने सिटी में कहीं भी लोकेशन से या कोई भी रेस्टोरेंट से या इंडिया के कोई भी और सिटी से पर्टिकुलर कोई भी रेस्टोरेंट से या कोई भी क्विजिन आप अपने शहर पे ऑनलाइन ऑर्डर करवाओगे। अभी आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल होगा, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कोई भी प्रोडक्ट Amazon, Flipkart जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो खाने के ऑर्डर के लिए ये सेम प्रोसीड्योर फॉलो होता है। और अगर आप दोपहर 2 बजे तक ऑर्डर करो तो नेक्स्ट दिन शाम को 12 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप सुबह 10 बजे तक ऑर्डर कर दो तो सेम डे रात 10 बजे तक आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपके डोरस्टेप पे। आप यहां पे इंडिया के कोई भी सिटी से कोई भी रेस्टोरेंट से कोई भी क्विजिन ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये एक नया फीचर आ गया है जहां पे आप अपने शहर में बैठ के इंडिया के कोई भी शहर से कोई भी रेस्टोरेंट का क्विजिन ऑर्डर कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का एक डिटेल्स ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके अलावा भी इस एप्लीकेशन में आपको और क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, जैसे यहाँ से आप बल्क ऑर्डर कर पाओगे और मुंबई के डब्बे वाला की तरह आप घर से अगर ऑफिस तक अपना घर का खाना ऑर्डर करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और देख लेंगे T2P एप्लीकेशन का एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ट्यूटोरियल। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन होते ही हम लोग सर्च कर लेंगे T2P या टेस्ट टू प्लेट। तो आप देख सकते हो T2P एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है T2P इंटरसिटी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ, या हम लोग सीधे चले आएंगे मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। आप देख सकते हो T2P टेस्ट टू प्लेट एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही यहाँ पे आपको करना है एप्लीकेशन में लॉगिन। तो उसके लिए आप यहाँ पे दे दोगे अपना मोबाइल नंबर, नीचे अपना जो कैप्चा दिखा रहा है उसको आप यहाँ पे डाल दोगे और फिर नीचे गेट OTP ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा एक 6 डिजिट का OTP, यहाँ पे आप डाल दोगे अपना OTP और फिर नीचे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिलीवरी एड्रेस दे देना है। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर लोगे अपना फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नेम एक्सेट्रा, रोड एरिया कॉलोनी लैंडमार्क, अपना कंट्री सिलेक्ट कर लोगे, स्टेट सिलेक्ट कर लोगे, सिटी सिलेक्ट कर लोगे और अपना पिन कोड यहाँ पे डाल के एड्रेस टाइप सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो आपके सामने ओपन हो जाएगा आपके करंट लोकेशन का गूगल मैप, यहाँ पे आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो आपके सामने ओपन हो जाएगा T2P एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। यहाँ पे बाएं तरफ ऊपर 3 लाइन बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का सारे मेनू का डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना प्रोफाइल, घर का खाना, माई ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स, वॉलेट, अबाउट अस, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रेट ऐप, रेफर एंड अर्न, कॉन्टेक्ट अस और लॉग आउट का ऑप्शन। तो अपने प्रोफाइल ऑप्शन या माई अकाउंट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दोगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पहले अपना लॉगिन मोबाइल नंबर, अभी एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे दे दोगे अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी, लॉगिन मोबाइल नंबर और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ से कभी भी आप अपना प्रोफाइल या अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा डिलीट अकाउंट का ऑप्शन। उसके बाद आपको मिल जाएगा अपना सारा डिटेल्स। नीचे व्यू माई एड्रेसेस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने
सेव किया गया डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे चेक कर पाओगे, या अगर आप नया एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो दाहिने तरफ नीचे होम आइकॉन पे क्लिक करके आप फिर से अपना डिलीवरी एड्रेस का सारा डिटेल्स देके अपना अदर एड्रेस भी यहाँ पे सेव करके रख सकते हो अपना लोकेशन सेट करने के बाद। उसके बाद आपको मिल जाएगा घर का खाना का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे मुंबई के डब्बा वाला की तरह अपना घर से अपने ऑफिस तक या जिस भी लोकेशन में अपने सिटी में खाना भेजना चाहते हो वो यहाँ पे बुक करके भेज सकते हो घर का खाना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दे देना है पहले अपना पिकअप लोकेशन। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जहाँ से खाना पिकअप करवाना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, और फिर डेस्टिनेशन लोकेशन में जहाँ पे आप खाना भेजना चाहते हो घर का खाना वो लोकेशन या वो एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे। फिर नीचे आप दे दोगे अपने प्रोडक्ट या खाने का सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आप खाने का कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे कि कुक फूड आइटम या फ्रोजन रॉ मीट और फिश। फिर आप सिलेक्ट कर लोगे सब कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे खाने का क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको दे देना है प्रोडक्ट का नेम या खाने का नेम और उसका अप्रोक्स वेट। जब भी डिलीवरी पर्सन आपके लोकेशन से खाना पिकअप करने आएगा तो एक्चुअल वेट विल बी एंटरटेन बाय पिकअप बॉय एंड विल चेंज हियर आल्सो। तो आपके खाने के पिकअप के टाइम जो वेट लिया जाएगा उस हिसाब से आपका बिलिंग फाइनल बिलिंग रेडी होगा। अभी आपको ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आप देखोगे आपके खाने का डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो गया है, आपके खाने का वेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी नीचे कंटिन्यू बुकिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप घर का खाना डब्बे वाले की तरह ऑफिस या किसी भी लोकेशन में भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन माय ऑर्डर ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा टी2पी के सारे ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको इंटरसिटी ऑर्डर डिटेल्स भी मिल जाएगा, घर के खाने का ऑर्डर डिटेल्स भी मिल जाएगा, और मिल जाता है A2A ऑर्डर का भी डिटेल्स। उसके बाद बल्क ऑर्डर ऑप्शन पे जाके इस एप्लीकेशन में आप बल्क ऑर्डर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी और अपना बल्क ऑर्डर का मैसेज लिख के ऑर्डर कंफर्म करना है। नेक्स्ट ऑप्शन वॉलेट ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का वॉलेट। तो यहाँ से जो भी साइन अप के दौरान आप पॉइंट अर्न करते हो उसका बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप देख सकते हो साइन अप के साथ साथ आपको मिल जाता है 1500 पॉइंट, जिसका एक्चुअल बैलेंस प्राइस होता है 150 रुपए, मतलब 10 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपए। यहाँ से जो भी आप कैशबैक अर्न करते हो या रेफरल बोनस अर्न करते हो उसका बैलेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसको आप किसी भी ऑर्डर करते टाइम इसका एक पोर्शन आप पेमेंट के दौरान यूज कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा अबाउट अस ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाके एप्लीकेशन के सारे डिटेल्स, कंपनी के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का करंट वर्जन भी आप नीचे चेक कर पाओगे। फिर रिफंड पॉलिसी ऑप्शन पे जाके आप एप्लीकेशन रिलेटेड सारे रिफंड पॉलिसी भी डिटेल्स में पढ़ पाओगे, और टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन। फिर प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन पे जाके आप एप्लीकेशन या कंपनी के सारे प्राइवेसी पॉलिसी भी चेकआउट कर पाओगे, और रेट ऐप ऑप्शन पे जाके प्ले स्टोर या एप स्टोर पे एप्लीकेशन को रेटिंग भी दे पाओगे और अपना रिव्यू भी लिख पाओगे। फिर आपको मिल जाता है रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाके कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करके आप किसी भी दोस्त के साथ इस एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर सकते हो या अपना रेफरल लिंक शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का इंस्टॉल का लिंक और आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका रेफरल कोड होगा। हर रेफरल से आप यहाँ पे 2500 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू होता है 250 रुपए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाता है कॉन्टेक्ट सपोर्ट का। सुबह 7:30 से रात 12 तक कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर, इसका व्हाट्सअप नंबर, सपोर्ट ईमेल आईडी और कंपनी का एड्रेस। लास्ट पे आपको मिल जाता है लॉग आउट का ऑप्शन, जहाँ से एप्लीकेशन से साइन आउट के लिए आप लॉग आउट कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे आप आ जाओगे तो दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा कार्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई भी फूड अगर आप ऑर्डर करते हो तो कार्ट में उसका सारा डिटेल्स आप चेक कर पाओगे, और हार्ट आइकॉन पे क्लिक करके कोई भी फूड को अगर आप फेवरेट या विश लिस्ट पे ऐड करके रखते हो तो उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा माई विश लिस्ट पे। फिर ऊपर आपको मिल जाएगा अपना सेट किया गया डिलीवरी एलोकेशन, और उसके बाद आपको मिल जाएगा खाने के सारे वैरायटी। तो यहाँ पे खाने के सारे डिटेल्स को आप ऑल वेज, नॉन वेज करके फिल्टर कर सकते हो, और FAQs ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो T2P इंटरसिटी फूड डिलीवरी, आइकॉनिक फूड डिलीवरी फ्रॉम अदर सिटी। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिया के कोने कोने के हर शहर से फूड डिलीवरी का ऑर्डर अपने घर तक। ऑथेंटिकेट फूड डिलीवरी फ्रॉम आइकॉनिक आउटलेट्स ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, इंस्टॉल, लॉग इन, चेक, एड एंड ऑर्डर, सीट एंड रिलैक्स इन कन्वीनियंस ऑफ होम टू गेट द फूड आइटम डिलीवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द चोजन आउटलेट। तो कैसे ये काम करता है, कैसे पैकेजिंग होता है वो भी आप चेक कर पाओगे। पैकेट इन इनोवेटिव मल्टीलेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग विद हैज 0% MTR, मॉइस्चर ट्रांसमिशन रेट विच कीप्स द टेस्ट एज गुड एज पैक। यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पैक्ड एट 5 to 10 degree centigrade यूजिंग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक प्रोसेस टू कीप द फूड फ्रेश ऑन ट्रांजिट विद कंटिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इन बैग फूड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे कोई भी फूड आइटम ऑर्डर करने के बाद आप डिलीवरी ट्रैक करते हो, ड्रोन टू योर सिटी यूजिंग एयर कार्गो कंसिस्टेंटली कीपिंग द फूड एट 5 to 10 degree centigrade वंस रिसीव्ड डिलीवरी बॉय डिलीवर्स द ऑर्डर इन थर्मल इंसुलेटेड बैग विद आइस जेल। अभी नीचे रीड FAQs ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बारे में और भी डिटेल्स में FAQ या क्वेश्चन आंसर आप पढ़ पाओगे। अभी होम ऑप्शन पे आप आ जाओगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा एक सर्च बार,
जहाँ से कोई भी रेस्टोरेंट या फूड आइटम आप सर्च कर सकते हो इंडिया के कोई भी सिटी से। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑथेंटिक फूड फ्रॉम अदर सिटीज, फेवरेट फूड डिलीवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। नीचे आपको मिल जाएगा 3 कैटेगरी, आप यहाँ पे कोई भी फूड सर्च कर पाओगे, शॉप बाय ब्रांड, शॉप बाय क्विजिन और शॉप बाय कैटेगरी। तो शॉप बाय ब्रांड ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडिया के हर अलग अलग शहर का जो भी रेस्टोरेंट या ब्रांड ऑन बोर्ड है, उस रेस्टोरेंट या ब्रांड का सारे फूड आइटम का डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। ऊपर आपको मिल जाएगा एक सर्च बार जहाँ पे आप ब्रांड नेम सर्च करके भी आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी रेस्टोरेंट या ब्रांड का फूड आइटम का डिटेल्स, यहाँ पे रीड डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करके उस रेस्टोरेंट के उस फूड आइटम के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, और व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर ब्रांड या रेस्टोरेंट के अदर फूड आइटम का डिटेल्स मेनू आप चेकआउट कर पाओगे। ऊपर आपको मिल जाएगा ऑल वेज, नॉन वेज और FAQs का ऑप्शन, और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके आप सारे क्विजिन को क्विजिन वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सॉर्ट कर पाओगे या फिल्टर कर पाओगे। फिर शॉप बाय क्विजिन ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजिन। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अवधी, बंगाली, गोवान, हैदराबादी, कश्मीरी, मालाबार, मुगलाई, पंजाबी और राजस्थानी फूड आइटम या क्विजिन का ऑप्शन। यहाँ भी रीड डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्विजिन के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ पाओगे, और व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उस ऑथेंटिकेट क्विजिन का और भी सारे मेनू का डिटेल्स आप चेक कर पाओगे। ऊपर आपको मिल जाएगा ऑल वेज, नॉन वेज और FAQs का ऑप्शन, यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हो क्विजिन वाइज, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज। फिर शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्वीट और कुक्ड फूड दो ऑप्शन। तो स्वीट कैटेगरी में आप रीड डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करके स्वीट के बारे में डिटेल्स में पढ़ पाओगे, और व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस कैटेगरी का सारे फूड मेनू या स्वीट आइटम आप चेक कर पाओगे। सेम तरीके से कुक्ड फूड ऑप्शन पे जाके रीड डिटेल्स में इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ पाओगे, और व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाके कुक्ड फूड आइटम का सारा डिटेल्स आप चेक कर पाओगे। अभी नीचे आपको मिल जाएगा अपना आइकॉनिक फूड फ्रॉम योर फेवरेट सिटी, कौन कौन का सिटी ऑनबोर्डेड है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो उसका सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, दिल्ली NCR, देवघर, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पटना, पुणे और सूरत, इन सारे शहर से कोई भी क्विजिन ऑर्डर करने का ऑप्शन। तो यहाँ से कोई भी सिटी आप सिलेक्ट कर लोगे व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके, तो उस सिटी का ऑथेंटिक सारे क्विजिन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ऊपर यहाँ भी आपको मिल जाता है ऑल वेज, नॉन वेज और FAQs में फिल्टर करने का ऑप्शन, और यहाँ पे सारे क्विजिन या मेनू को आप ब्रांड वाइज फिल्टर कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या रेस्टोरेंट के लिए, या कैटेगरी स्वीट या कुक फूड, और सब कैटेगरी वाइज भी आप कोई भी फूड आइटम या मेनू को यहाँ पे फिल्टर कर पाओगे। नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगा उस शहर के सारे फेमस मेनू या क्विजिन का ऑप्शन। और भी नीचे चले आओगे तो यहाँ पे कैटेगरी पे आपको मिल जाता है ट्रीट विद ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अवधी क्विजिन, बंगाली क्विजिन, बिरयानी, हैदराबादी क्विजिन, कबाब, कचौड़ी, कुलचा, मालाबार क्विजिन, पंजाबी क्विजिन, राजस्थानी क्विजिन, सी फूड, स्वीट, ये सारे कैटेगरी। तो यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके उस कैटेगरी का सारे मेनू या फूड आइटम और क्विजिन का ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ भी ऊपर आपको मिल जाता है सारे फिल्टर का ऑप्शन। अभी आपका डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। जैसे आप पहले करोगे ऑर्डर ऑथेंटिक फूड फ्रॉम अदर सिटीज, फिर आप देखोगे इंटर सिटी फूड डिलीवरी फास्ट, रिलायबल एंड एडोरेबल, और ये आप तक डिलीवरी हो जाएगा 12 आवर्स में। सेम डे डिलीवरी ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और कंटिन्यूअस ऑर्डर स्टेट अपडेट थ्रू व्हाट्सएप मैसेज भी आप पा सकते हो जहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे अपना डिलीवरी। और आपको मिल जाता है स्पेशल डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर भी। नीचे आप देखोगे 10 मोस्ट ऑर्डर फूड या सिटी का ऑप्शन, और उसके बाद आपको मिल जाएगा फूड आइटम या क्विजिन में बेस्ट सेलर का कौन कौन सा ऑप्शन है, मोस्ट ऑर्डर फूड क्या क्या है, टॉप ब्रांड कौन कौन सा है, डील कौन कौन से मेनू में मिलता है। फिर आपको मिल जाता है सारे फीचर्ड फूड आइटम का ऑप्शन। तो भी यहाँ पे कोई भी ब्रांड से, रेस्टोरेंट से, कोई भी सिटी से या कोई भी कैटेगरी से आप कोई भी फूड आइटम ऑर्डर करने के लिए सिलेक्ट कर लोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा उस मेनू का नेम, इसका पिक्चर, प्राइस, नीचे इसका वेट, क्या क्या यहाँ पे कॉन्टेंट्स अवेलेबल है। अभी इसको अपने कार्ट पे ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके इसका क्वांटिटी सिलेक्ट कर लोगे, और आपके लोकेशन पे डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं चेक अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे आप अपना पोस्टल कोड या पिन कोड डाल के चेक कर लोगे। नीचे आपको मिल जाएगा इस मेनू के बारे में और भी डिटेल्स और इसका इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हो उस सिटी से आपके सिटी तक अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो अगर आप दोपहर 2 बजे से पहले ऑर्डर करते हो तो नेक्स्ट डे शाम तक 5:30 से 9:30 तक आप तक डिलीवरी हो जाएगा। और प्रीमियम डिलीवरी में आपको मिल जाता है अगर आप 10:30 तक ऑर्डर कर देते हो तो सेम डे 10:30 तक आपके डिलीवरी एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। और आपके सिटी में एयरपोर्ट से आपका डिलीवरी लोकेशन जितना दूर है आपको यहाँ पे एडिशनल देखने को मिलेगा लास्ट माइल डिलीवरी विद इन आपके सिटी कितना ट्रैवल कर रहा है। फिर नीचे आपको मिल जाएगा इस फूड आइटम के अगेंस्ट रिव्यू देने का ऑप्शन। अभी आप अपने कार्ट पे चले जाओगे तो देखोगे जो भी मेनू या फूड आइटम या क्विजिन आप ऑर्डर कर रहे हो उसका सारा डिटेल्स, पिक्चर, नाम, प्राइस, क्वांटिटी। अभी आपको नीचे गो टू चेकआउट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा
का चेकआउट का ऑप्शन, ऊपर आपको मिल जाएगा अपना डिलीवरी या शिपिंग डिटेल, यहाँ पे आप अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज भी कर सकते हो या नया एड्रेस ऐड कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा अपना ऑर्डर समरी, उसके बाद आपके पास अगर कोई कूपन कोड होता है तो अप्लाई कूपन ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना कूपन कोड भी अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप देखोगे अपने डिलीवरी पार्टनर को आप यहाँ पे टिप भी दे सकते हो, और नीचे आपको मिल जाएगा अपना डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेशन, जिस भी शहर से आप ऑर्डर कर रहे हो आपके शहर तक कितना डिस्टेंस है, बाई एयर ये कितना डिस्टेंस कवर करके आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेशनेस एश्योर्ड और ऑर्डर कैंसिलेशन का सारा डिटेल्स, ओनली अप टू 4 आवर्स ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद तक। उसके बाद लास्ट पे आपको मिल जाएगा अपना बिलिंग समरी, यहाँ पे आपके फूड आइटम का सब टोटल कितना हुआ है, डिलीवरी चार्जेस कितना है, पैकेजिंग फीस कितना है, हॉट फूड डिलीवरी चार्जेस कितना है, CGST, IGST और SGST कितना है, कूपन अगर आप अप्लाई करते हो वहाँ से आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिलीवरी टिप अगर आप देते हो तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। फिर आप देखोगे आपके सिटी पर एयरपोर्ट से आपका डिलीवरी लोकेशन जितना दूर है, एयरपोर्ट के सराउंडिंग 5 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री है, पर आपके सिटी में उससे ज्यादा अगर लास्ट माइल डिलीवरी को डिलीवर करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है तो हर किलोमीटर में आपको लग जाता है 4.5 रुपीज एक्स्ट्रा। अभी आप चेक कर लोगे अपना टोटल पेबल अमाउंट, आपका ऑर्डर फूड आइटम का टोटल वेट, और आपके अगर वॉलेट पे कोई भी बैलेंस रहा तो कितना पॉइंट या कितना बैलेंस आप यूज कर पाओगे, यूज वॉलेट पे वो आप टिक कर सकते हो, और पेमेंट के टाइम वो आपके टोटल से माइनस हो जाएगा। और अपने T2P का वॉलेट अमाउंट आप तभी यूज कर पाओगे जब आपका ऑर्डर वैल्यू 900 से ज्यादा होगा। लास्ट पे आपको मिल जाएगा अपना डिलीवरी मेथड, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डिलीवरी, जो आप अगर दोपहर 2 बजे से पहले करो तो नेक्स्ट दिन शाम को 5:30 से 9:30 तक आपको मिल जाएगा, और अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी चूज करते हो तो 10:30 तक अगर आप ऑर्डर करते हो तो सेम डे 10:30 तक आपको अपना ऑर्डर डिलीवर मिल जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड डिलीवरी का डेट भी आप सिलेक्ट कर पाओगे कैलेंडर से। फिर आपको मिल जाएगा अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने का ऑप्शन, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो अगर आपका मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 450 से ज्यादा हुआ तो ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में पे करना चाहते हो तो आपका अगर ऑर्डर अमाउंट 450 से 900 के बीच रहा तभी आप कर पाओगे। और फिर यहाँ से अपना पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे आप देखोगे अमाउंट पेबल और प्लेस ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो अगर कैश ऑन डिलीवरी रहा तो तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आप कैश में पे कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कोई भी UPI से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल पेमेंट वॉलेट से ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर करने का ऑप्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा T2P टेस्ट टू प्लेट एप्लीकेशन का एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ट्यूटोरियल, जहां पे आप अपने शहर के बाहर इंडिया के कोई भी शहर से कोई भी रेस्टोरेंट का कोई भी मेनू ऑनलाइन ऑर्डर कर पाओगे इस एप्लीकेशन को यूज करके। और यहां पे आपको मिल जाता है फ्रोजन आइटम की तरह, जैसे कोई भी शॉपिंग मॉल से आप फ्रोजन आइटम खरीदते हो वैसे ही फ्रोजन फॉर्म में 12 घंटे के अंदर सेम टेस्ट में आपका ऑर्डर डिलीवर अपने डोरस्टेप पे। तो आज की इस वीडियो में इसका एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सेंडेड और टेलीग्राम चैनल तो मेरा जरूर ज्वाइन कीजिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि T2 एप्लीकेशन का एक नया फीचर्स का डिटेल्स ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। जाइए ऑर्डर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं भी जाता हूँ ऑर्डर करके देखता हूँ कैसा है सिस्टम।